हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहां पे बात करने वाले पीट्रॉन के म्यूजिक बोर्ड क्यूब, जो एक पोर्टेबल स्मार्ट स्पीकर है, इसके बारे में डिटेल में आगे वीडियो में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसी तरीके की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे, तो बिना टाइम गवाए जल्दी से इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हो, देखते हैं कि इसके साथ आपको कौन कौन सी एसेसरीज वगैरह कुछ मिलने वाला है। इसके बॉक्स पैकिंग के बारे में बात करें तो पीट्रॉन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, म्यूजिक बोर्ड क्यूब करके इसका जो मॉडल नंबर वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसकी जो एक्चुअल इमेज है वो देखने को मिल जाती है। साइड वाले पार्ट में भी सेम थोड़ा बहुत है, और एलेक्सा आपको बिल्ट इन मिल जाता है, वो इसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे आपको थोड़े बहुत फीचर्स वगैरह कुछ मिल जाते हैं, और यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह मिल जाते हैं। जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हो, देखते हैं कि बॉक्स के अंदर से आपको कौन कौन से एसेसरीज वगैरह कुछ साथ में मिलने वाले। तो जैसे हम बॉक्स को यहाँ से हम ओपन करते हैं, तो भाई पहले तो आपको यहाँ पे यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाती है, वारंटी कार्ड कुछ देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे इस डिवाइस को कैसे कॉन्फ़िगरेशन करें, मतलब कि कनेक्ट करें, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे हमारा जो मेन स्पीकर है, स्मार्ट स्पीकर, वो आपको इस तरीके से रखा हुआ मिल जाता है। और मेरे ख्याल से अभी भी बॉक्स के अंदर कुछ है, मतलब केबल वगैरह कुछ होगा। चलो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से केबल वगैरह आपको इसके साथ में मिलते। भाई काफ़ी हार्ड है निकालना, चलो निकल तो गया। अब यहाँ पे इसके साथ आपको यहाँ पे माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है, और इसके अलावा आपको एक ऑक्स केबल देखने को मिल जाता है। और भाई ये अच्छी बात है, आपको इसके साथ एक एडेप्टर भी देखने को मिल जाता है। आईफोन वगैरह यहाँ पे एडेप्टर निकालने की बात करें, पीट्रॉन वाले साथ में एडेप्टर वगैरह देते हैं। चलो इन सबको साइड में रखते हैं और आते हैं हमारे मेन स्पीकर के बारे में देखते हैं। तो इस पन्नी के अंदर से इसको बाहर निकाले तो आपको यहाँ पे पीट्रॉन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। आगे वाला जो पार्ट है नेट टाइप का, वो आपको मेटल का देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आउटर बॉडी आपको यहाँ पे रबराइज देखने को मिल जाएगी। इससे तो इसकी जो बिल्ड एंड क्वालिटी है मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है। टॉप में आपके थोड़े बहुत छिद्र देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वो इस यहाँ पे सेंटर में आपको LED इंडिकेटर देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे इसके पीछे वाले पार्ट के बारे में बात करें तो भाई आपको यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है, मतलब थोड़े बहुत की फीचर्स देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप इसको ऑक्स केबल थ्रू भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है आपको यहाँ पे वर्जन 4.2, जो एक काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी वाला वर्जन आपको यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5 दिया गया होता तो काफ़ी अच्छा हो जाता। और यहाँ पे इसकी जो कनेक्टिविटी की रेंज है वो आपको अप टू 10 मीटर तक की देखने को मिल जाती है। और इस ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर आपको वाईफाई इनबिल्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी रेंज आपको यहाँ पे 30 मीटर तक की रेंज में कनेक्ट हो सकता है ये वाईफाई, मतलब काफ़ी अच्छी रेंज के साथ आपको ये ब्लूटूथ स्पीकर देखने को मिल जाता है, जो एक स्मार्ट स्पीकर भी है। यहाँ पे इसके आउटपुट के बारे में बात करें तो इसके साथ जो आपको आउटपुट वोल्टेज आने वाला है वो आपको 3 वोल्ट आउटपुट के साथ ये ब्लूटूथ स्पीकर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे इसके बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करें तो भाई आपको इस स्पीकर के अंदर 2600 mAh की, मतलब 2600 mAh की बैटरी बैकअप देखने को मिल जाती है, जिसकी इसका जो स्टैंड बाई टाइम है वो आपको यहाँ पे 12 आवर्स का देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे इसका जो प्ले टाइम है वो आप यहाँ पे 6 आवर्स का ले सकते हो, मतलब कि आप इसको 100% चार्ज करते हो और उसके बाद इसको कंटिन्यूसली प्ले करते हो तो आपको यहाँ पे 6 आवर का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको प्ले नहीं करते और 100% चार्ज करके रख दिया है तो आपको यहाँ पे 12 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को, मतलब स्टैंड बाई टाइम देखने को मिल जाता है। और साथ में इस ब्लूटूथ स्पीकर को फुल चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पे 4 आवर्स का चार्जिंग टाइम लगने वाला है, मतलब थोड़ी सी जो चार्जिंग स्पीड है वो मुझे मेरे ख्याल से अच्छी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और गाइस यहाँ पे ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है उसके फंक्शन बटन के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे सेंटर में ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, उसके ऊपर और नीचे वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज का बटन देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे ब्लूटूथ का बटन देखने को मिल जाता है, और उसके ऑप्शन में आप यहाँ पे जो इसका माइक है वो म्यूट और अनम्यूट भी कर सकते हो। और इसके राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, मतलब ये काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे इसके चार्जिंग पोर्ट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, और आप इस ब्लूटूथ स्पीकर को ऑक्स केबल थ्रू भी यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। तो चलो अब जल्दी से इसका साउंड टेस्ट करते हो, देखते हैं कि 3 वोल्ट आउटपुट के साथ जो ब्लूटूथ स्पीकर आता है उसका साउंड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे किस टाइप का मिलने वाला है। We'll be right back.
जो एक स्मार्ट स्पीकर है तो इसके अंदर आपको वाईफाई इनबिल्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी जो रेंज है मैंने पहले बताई उसी तरीके की 30 मीटर तक की रेंज में आप इसका कनेक्ट कर सकते हो, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको इनबिल्ट एलेक्सा देखने को मिल जाती है। जी हाँ, एलेक्सा मिलती है, मतलब आप यहाँ पे इसके साथ हिंदी में भी बातचीत कर सकते हो और आपका जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर ये एलेक्सा देने की कोशिश 100% करती है, और यहाँ पे आप देसी तरीके से मतलब कि हिंदी लैंग्वेज भी ये सपोर्ट करती है। और यहाँ पे अगर आप सोचते हो कि इसको हम भाई कनेक्ट किस तरीके से करें, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन गाइड है वो आपको यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर के जो बॉक्स है इसके अंदर देखने को मिल जाती है, उसके थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो। बाकी ऐसी कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके साथ आपको यहाँ पे प्ले स्टोर के अंदर पीट्रोन म्यूजिक बोर्ड करके इसकी जो एप्लीकेशन है वो आपको मिल जाती है, और वहाँ से आप इजी टू यूज सिंपली 3-4 स्टेप करने से आप यहाँ पे इसको इस स्पीकर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। पहले तो नॉर्मल नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, और उसके बाद साइन इन करना है अमेज़न के साथ, और अमेज़न के साथ साइन इन होने के बाद आप इसको एलेक्सा थ्रू यूज़ कर सकते हो। इसके ऑल ओवर रेटिंग के बारे में बात करें तो भाई इसकी जो बिल्ड एंड क्वालिटी, साउंड एक्सपीरियंस, फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन, और इसके अलावा यहाँ पे इसकी जो बैटरी कैपेसिटी, इन चार टॉपिक को मिला के मैं यहाँ पे इसके रेटिंग के बारे में बात करूँ तो भाई मैं तो यहाँ पे इसको 4 star out of 5 रेटिंग देने वाला हूँ। भाई मुझे तो काफ़ी हद तक अच्छी इसकी जो बिल्ड एंड क्वालिटी, साउंड एक्सपीरियंस, भाई इसके जो 3 volt आउटपुट के साथ आता है तो इसकी जो साउंड लाउडनेस है वो भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, बेस क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, फीचर्स में वाईफाई इनबिल्ट आपको देखने को मिल जाता है, और इसके अलावा यहाँ पे इसके बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसके जो प्लेबैक टाइम है वो भी अच्छा मिल जाता है इस प्राइस रेंज के मुताबिक, और इसकी जो प्राइस है वो आपको 1699 रुपीज़ में मिल जाता है। मतलब इस बजट स्मार्ट स्पीकर अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट स्मार्ट स्पीकर रहने वाला है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देता हूँ, आप वहाँ से भी आसानी से इसको परचेस कर सकते हो। अदरवाइज आप अमेज़न की वेबसाइट थ्रू भी पीट्रोन म्यूजिक बोर्ड स्मार्ट स्पीकर करके टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर देखने को मिलेगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे मैं इसकी जो लिंक है वो मैं रख देता हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इसको परचेस कर सकते हो। तो बस गाइज, आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, और आज का वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। साथ में अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए, और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे।